श्रोता नमस्कार। भारत में जुलाई और अगस्त का महीना बरसात के महीनों में शुमार होता है, जिसे हम वर्षा ऋतु, मौसम बरसात या फिर डोगरी में बरखा दी ऋतु भी कहते हैं। ये मौसम पेड़ लगाने के लिए बड़ा ही मुफीद माना जाता है। वही पेड़ पौधे जिनकी बदौलत धरती पर जीवन संभव है। पर तेज रफ्तार जिंदगी, आगे बढ़ने की होड़, आबादी का बढ़ना, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण ने धरती के पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जिस धरती ने हमें जीवन के साथ साथ जिंदा रहने के लिए जरूरी हर एक शय मुहैया करवाई है, उसी का ख्याल रखना हमने छोड़ दिया है, जिससे कई गंभीर चुनौतियां पैदा हो रही हैं। इन्हीं चुनौतियों और खतरों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया इस धरती माँ के नाम एक पेड़ लगाने का। एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि माँ की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम पूरे देश में इन दिनों चल रही है। इसी के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में चार J&K बटालियन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ओर से यूनिवर्सिटी की अपनी NCC यूनिट के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बारे में बात करते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और NCC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमिता गुप्ता ने बताया। नमस्कार। 4JK बटालियन जम्मू कश्मीर लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के NCC गर्ल्स कैडेट के साथ मिलकर के एक पेड़ माँ के नाम अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह कार्यक्रम माननीय श्री नरेंद्र मोदी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है। और यह कार्यक्रम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पार्क, राजेंद्रपुरा बगुना में आयोजित किया गया, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट सांभा में आता है। कार्यक्रम का शुभारंभ आपका 10 बजे हुआ, जिसमें NCC कैडेट्स ने, स्थानीय निवासियों ने और हमारे आदरणीय जामवाल जी ने और कई गणमान्य व्यक्तित्व ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। और इसका पहल का उद्देश्य संरक्षण को बढ़ावा देना था और एक ऐसे पेड़ों को लगाना जो कि हमारे कंडी बेल्ट के लिए, जहाँ पर पानी नहीं होता है वहाँ पर ऐसे पेड़ों का लगाना बहुत जरूरी था। जैसे कि हमारा चिनार का पेड़ हो गया, तो उस तरीके के पेड़ों का यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया। और यह वृक्षारोपण अभियान जलवायु परिवर्तन से लड़ने और एक स्थायी पर्यावरण को बढ़ावा देने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसके अलावा वृक्षारोपण अभियान के दौरान जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगाए गए, जिसमें NCC गर्ल्स में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पार्क में आपका पेड़ों को स्थापित किया और वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी सक्रिय रूप से वृक्षारोपण किया है। और इसकी पहल को पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। और युवा इस तरह की पहलों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और खास करके वृक्षारोपण जो अभियान है, एक प्रतिज्ञा के रूप में उनके साथ में सम्पन्न हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को जारी रखने और दूसरों को इस कारण में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिसमें जो हमारी गर्ल्स कैडेट्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आपका जो हमारे स्थानीय निवासी थे उनको वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। इस पर्टिकुलरली इस अभियान को यादगार बनाने के लिए और अपने सक्रिय सहभागीदारी के प्रयासों के लिए विश्वविद्यालय जम्मू 4JK बटालियन NCC गर्ल्स कैडेट का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में NCC गर्ल्स विंग की AN हूँ, CTA AN हूँ। और ये कार्यक्रम जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इसके लिए सभी भागीदारियों का, सभी आयोजकों का और सभी स्थानीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुहिम में शामिल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और NCC कैडेट्स का उत्साह भी देखने लायक था। उन्होंने इस अवसर पर पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डाला और लोगों को जागृत किया कि किस प्रकार पेड़ों का कटना एक गंभीर चुनौती है। आई कैडेट विनिकता पंकज फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू NCC गर्ल्स विंग 4JK बटालियन। टुडे आई एम हियर टू ब्रीफ यू अबाउट द प्लांटेशन ड्राइव दैट वाज हेल्ड इन 22 जुलाई बाय 4JK बटालियन अलॉन्ग विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू
in collaboration with the Forest Department of Samba. This plantation drive was held on 22nd July at Brigadier Rajinder Singh Memorial Park in Rajinderpura in Samba district. Brigadier Rajinder Singh Pura ke Rajinder Park mein aayojit is vriksharopan abhiyan ke madhyam se hum NCC cadets ko samjhaya gaya ki hame ped kyun nahi kaatne chahiye aur kyun zyada se zyada ped lagane chahiye. Pradhanmantri Narendra Modi ji ne ahvan kiya tha ki hum sabhi ek ped maa ke naam lagaye. Hum sabhi NCC cadets ko भी पौधे लगाने के लिए दिए गए. हमने पौधे लगाए और आसपास के गांव के जो लोग आए थे उन्हें भी इस मुहिम के बारे में जागरूक किया गया. बहुत अच्छा लगा इस मुहिम में हिस्सा लेकर. And the civilians of the surrounding area were also present in the plantation drive, where they as well were informed and briefed about the need of planting trees. They were in fact given, few of them were given the opportunity to plant trees by the plantation drive for J&K Battalion and Central University of Jammu. In this plantation drive, first we planted trees in the park, and then later on we had a seminar in the central, in the at Raya Mor, at the Kendriya Vidyalaya School, Raya. In that seminar, again the cadets were informed and briefed about the need of planting trees, and along with that, a few students of the school, along with few civilians, were also present there in the plantation drive seminar. And cadets were, they were made aware about the need of planting trees, and the plantation drive was a success. Jai Hind, I am Cadet Nidhi Sharma from 4JNK Girls Wing NCC under CTANO Dr. Amita Gupta, Central University of Jammu, with the collaboration of Department of Forestry, Jammu. माई टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन. हमारे यहाँ आज केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, वन विभाग व कुछ सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है, जिसमें हमारे एनसीसी के कैडेट्स भी हिस्सा ले रहे हैं. आज यहाँ एकत्रित होकर पौधे लगाने का मकसद समाज के हर वर्ग में जागरूकता फैलाना है कि वे पेड़ों के महत्व को समझे, जो खुद प्रदूषित हवा लेकर हमें साफ सुथरी हवा और जीने के लिए प्राणवायु देते हैं. पेड़ रहेंगे तो जीवन रहेगा धरती पर, ये बात हम सभी को Amid oxygen, increasing oxygen supplies, plantation of trees are essential as they improve life and fulfill the essential needs of humanity. During the photosynthesis, the tree break down food material and consume carbon dioxide, resulting with the help of sunlight, the trees produce carbohydrates. Tree plantation is not just something that should be done, it is a necessity that needs an urgent of an hour. Planting trees is significant to protect our environment against our air pollution and global warming. इस कार्यक्रम के दौरान आसपास के इलाकों में कई पेड़ लगाए गए. कार्यक्रम में शामिल 96 वर्षीय रिटायर्ड मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल ने भी पेड़ लगाया. विश्वविद्यालय, वन विभाग और आयोजन में शामिल अन्य हितधारकों की सराहना की और सभी को संदेश दिया धरती पर जीवन बचाए रखने के लिए पेड़ लगाने का. एक पेड़ माँ दे नाम, मोदी जी ने कितना अच्छा इशारा दिता पूरे मुल्क भी, लोग समझ भी चट गए, क्योंकि माँ का नाम जोड़ी है और फिर पौधे का नाम जोड़ी है. मेरा ख्याल है ये रिजल्ट बहुत अच्छे आऊंगन. असें भी इस वर्ष ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के मेमोरियल पर एक पेड़ माँ दे नाम लाया. ग्रां दे बच्चे, एनसीसी दे कैडेट, फौजी और भी उत्थों दे लोकें गी जोड़िया. उत्थें राया हायर सेकेंडरी स्कूल है, एक राया मिडिल स्कूल है जिथे मैं भी पढ़िया छेवीं क्लास 1939 च. उत्थे उहदे कोल मैं भी एक पौधा लाया, बड़ा अच्छा लगा. 97 साल मेरा चला दा, दिखना वह पौधा किन्ने तौले बढ़दा. और मैं भी सारे बच्चें गी, बजुर्गें गी इ आख्या कि हर एक पौधा ला, तो 140 करोड़ पौधे इक्के साले लगी जाते. 140 करोड़ पौधे हर साल लगन, तो जेड़ा पौधे का नुकसान होया हाड़ें विच, पहाड़ें दी पस्सियां गिरने विच, जंगलें दी अग्गें दे विच, वो नुकसान थोड़ा भरपाई हो सकती है. क्योंकि पौधा एक सिर्फ पौधा एक फल देने वास्ते या खूबसूरती वास्ते गै नहीं होंदा. पौधे दे बड़े गुण, बड़े कम और जमीनी कियां रोकदा है. बरखा दा पानी वो कियां जमीन दे बिच ले जांदा, जेड़ा उपर अगर 6 मील एक घंटे च चली जांदा, तो जमीना च
6 साल लगते हैं उसी एक मील जाने, और वो लखें पौधे की जड़ें दरिया पानी देता जाता, तो वृक्ष लाने करने वो पानी जो जमीन च जाता वह लखें वृक्षें ही जिथे नहीं भी बरखा होंगी उत्थें भी अंदरों अंदर पानी जाता है। ये असें पता होना चाहिए और ये गल्लां असें सनाइयां भी बच्चें ही उस रोज उत्थे, बड़ा अच्छा लगा। और उम्मीद है कि जिन्ने पौधे आदमी लान वह उनेंगी बचान, एक पौधा लगना सही चाहिए, सही नहीं लगे तो बचता नहीं, फिर अगर ठीक सही लगी आ तो उसकी प्रोटेक्शन नहीं हो तभी इन्नी मेहनत करने के बाद फिर पौधा नहीं अगर वो चले तो नुकसान ही नुकसान है। तो मैं ये भी आखा कि पौधे लगाओ, अच्छी तरह लगाओ और फिर उनकी देखभाल करो ताकि वो पौधे जिंदा रहन। इस वास्ते मोदी जी ने आख्या एक पेड़ मां के नाम, क्योंकि हुण तुसे मां दे वास्ते जिहड़ा पौधा लाए दा पेड़ लाए दा उसी चाहे कि वो मां दे नाम पर लाए दा वो जिंदा रहे। इस मुहिम में न केवल पेड़ लगाने की औपचारिकता को पूरा किया गया बल्कि आम नागरिकों विशेषकर युवा पीढ़ी में ये संदेश दिया गया कि पेड़ों के बिना धरती पर जीवन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, और ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है। क्रेडिट भूमिका कौशल फ्रॉम 4JK बटालियन NCC विंग अंडर CTANO डॉक्टर अमिता गुप्ता सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। And my topic is why plantation drive is important in Jammu and Kashmir. पेड़ों का हमारे जीवन में महत्व बड़ा ज्यादा है। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का मकसद वन्य क्षेत्र को बढ़ाना है, जंगलों को कटने से बचाना है। हम जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतनी ही बेहतर परिस्थितियों में रहने का हमें मौका मिलेगा, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। हमारे जम्मू कश्मीर में पेड़ों और जंगलों का महत्व और भी ज्यादा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है और यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों, वादियों, नदियों और आकाश को छूते पेड़ों के खूबसूरत नजारों से आकर्षित होकर लोग यहाँ आते हैं। पुलिस विनोद शर्मा ऑल्सो ज्वाइंट द स्पेशल ड्राइव बाई प्लांटिंग मेजेस्टिक सिदार एंड चिनार ट्रीज, वी वॉन्ट देयर एक्सपीरियंस इवन बेटर, ही सेड। वेलकमिंग द ड्राइव चौधरी सेड इट वुड श्योरली इनकरेज इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन in big way and also contribute to restoring the ecology and environmental of the area. I cadet Sadhvi Sharma from 4JK battalion NCC girls wing under CTANO Dr. Amita Gupta Central University of Jammu with the collaboration of Department of Forestry Jammu. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आह्वान किए गए एक पेड़ माँ के नाम मुहिम में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी एक पेड़ लगाया है और मैं सभी लोगों से अपील करूंगी कि वो भी अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाकर इस अभियान के भागीदार बने। मुझे जानकर खुशी हुई है कि हमारे देश के लोगों में पेड़ों के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ी है। Make everyone very happy to know that in the last decade the country undertook several collective efforts that have led to increased forest cover across India. This is a great progress towards sustainable development. It is also commendable how local communities have risen to occasion and taken a lead in this. श्रोताओ, इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया कोमल त्रकड़ू और गोकुल वर्मा ने, आलेख एवं वाचन स्वर जगमोहन शर्मा, मार्गदर्शन एवं परिकल्पना एन गुलशन रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की।